De agua sexual. साथियों, हमारे अंजुमन तामीर अदब के ज़ेर एहतमाम अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया IMA भवन के ऑडिटोरियम में, जिसमें हमारे लतीफ़ साहब, हाजी लतीफ़ साहब, उनकी उनका गज़ल कलेक्शन है नगमाए दिल, उसका रस्म इजरा हमने किया। और योग साहित्य के नाम से एक शोध प्रकृति वो हमारे पन्नालाल असर साहब की कलम से उसको एडिटिंग उसकी हुई है और उसको तरतीब दिया गया है, उसका भी रस्म इजरा हमने किया। ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अंजुमनें बहुत सी चल रही हैं, लेकिन ये तामीरी काम है, क्रिएटिव वर्क जिसको हम कहते हैं, जो केवल हम कर रहे हैं झांसी में। हिंदुस्तान में बहुत सारी अंजुमन हैं, लेकिन बुंदेलखंड में जितनी भी अंजुमनें बनी वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन हम लोग 4 दहाइयों से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं और इस तरह का क्रिएटिव वर्क हम लोग कर रहे हैं। लतीफ़ साहब जैसे लोग, हमारे जमील साहब, उनकी भी किताब इशात उसकी भी हो चुकी है। और तकरीबन हमारे अब एक मुकाम ऐसा आ गया कि हम लगभग साहिब किताब होने वाले हैं। सभी अंजुमन के जितने भी हैं, इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, वो भी उनकी किताबें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मंजर-ए-आम पर आएँ। तो हम ये चाहते हैं कि हम आज अंजुमन की हमारी पहली नशस्त है, उस प्रोग्राम के बाद हम चाहते हैं कि हाजी जमील साहब, जो कि हमारे सदर भी हैं, सदर अंजुमन हैं और हमारी अंजुमन के भी वो सदर रहे हैं और कई तरह से हम लोगों को सरपरस्ती देते हैं, तो उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि लतीफ़ साहब को, हाजी लतीफ़ साहब को, जो उनकी किताब का रस्म इजरा हमने किया, उस सिलसिले में उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें। जमील साहब, इसी सिलसिले में हमारे एक और उस्ताद शायर, एक ख़ास बात यह है कि अंजुमन हम लोग जो चला रहे हैं, हम लोगों की अंजुमन हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम लोगों को ये भ्रम है कि हम लोग चला रहे हैं, उस्तादों से अंजुमनें चलती हैं। जहाँ पे एक अंजुमन जो है अपने आप में एक एक ऐसा सिलसिला होता है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, इसी अंजुमन से सीखा है, 4 दहाइयों में हम लोग जुड़े हुए हैं लगातार। तो हाजी जमील साहब और सरोज साहब, ये 2 ऐसे उस्ताद हैं, कस्बी साहब भी थे, वो अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों को बहुत सारे गुर, बहुत सारे टिप्स, जो अरूज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे ही एक उस्ताद शायर हमारे बीच में शब्बीर अहमद सरोज साहब, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे लतीफ़ साहब को वो माला अर्पण करके उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। मैं इसी सिलसिले में पन्नालाल असर साहब भी हमारे बीच में हैं, जिनका योग साहित्य, जैसे मैंने बताया कि योग साहित्य का भी हमने रस्म इजरा उसमें किया है, उस प्रोग्राम में, और हमेशा क्रिएटिव वर्क हमारे पन्नालाल जी करते रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जानिब से 51,000 रुपये का अवार्ड अभी दिया गया, जिस मुख्यमंत्री ने इनको लखनऊ में बुलाकर दिया था। एक बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया कि ये योग साहित्य एक शोध प्रकृति है, जो जिसमें कि सारे आर्टिकल्स और सारे जो जो भी उसमें उसका कंटेंट है वो रिसर्च से ताल्लुक़ रखता है। BC साहब ने उसमें बहुत अच्छा लिखा है, हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र देवी साहब ने, हमारे यशोवर्धन गुप्त साहब दैनिक जागरण के जो एडिटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हम चाहते हैं इकबाल हसन साहबा साहब, जो उस्ताद शायर का, उसी तरह से जैसे कि जमील साहब हैं और सरोज साहब हैं, वही इनको भी मुकाम हासिल है। ये अरूज के जानकार हैं, बाकायदा इनके नाम के आगे पीछे भी चलता है अरूज के जानकार। मैं चाहता हूं कि इकबाल हसन साहबा साहब हमारे पन्नालाल असर साहब को शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें। इकबाल हसन साहबा साहब, हमारे उस्मान अक्सर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं हमारे अंजुमन के, वो भी लतीफ़ साहब का स्वागत उन्होंने किया, इस्तकबाल किया माल्यार्पण करके। तो ये बहुत छोटा सा एक रस्म थी,
क्योंकि जब हम इस तरह से इस्तकबाल करते हैं किसी राइटर का, किसी पोइट का, तो उसे आगे और भी अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और हम लोग हमेशा वक्त वक्त पे इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। एक कमरे में बैठ के निशिस्त करना एक अलग बात है, लेकिन उससे बाहर निकल के तमाम जो हमारे बीच में हमारे गेस्ट होते हैं, वो हर फील्ड से, अलग अलग फील्ड से होते हैं और बहुत काबिल लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया मैं आप सभी का अदा करना चाहता हूँ अंजुमन तामीर अदब की जानिब से। और अब हम अपने आज के इस प्रोग्राम का, ये जो हमारी शेरी निशिस्त है, उसका सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। अंजुमन तामीर अदब के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत 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 धन्यवाद मैं देना चाह रहा हूँ, आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों की आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाओं के माध्यम से मैं साहित्य के लिए जो भी कुछ प्रशिक्षार्थी हूँ, आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ। ये जमील साहब की तरह मुंह करके कहो आप। हेलो, और जमील साहब जैसे उस्ताद हमारे बीच में, इकबाल हसन सेवा साहब, हमारे साहब लतीफ साहब और आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब को तो मैं भूल ही नहीं सकता, कि जिनके संभल के बल पर मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। और कुछ मिलता है तो मैं अपने छोटे बड़ों से उस शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए वो सभी लोग उस्ताद की शक में है, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं कोशिश करूंगा उन्हें शिकायत का मौका न मिले, और मेरी जो आने वाली भविष्य में साहित्य सेवा है उसको भी आपके माध्यम बहुत बधाई आपको।